मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 1 नवंबर 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन विस्तार लेकर आ सकता है। आज का दिन आपके लिए कोई शुभ संकेत, शुभता, इन्फॉर्मेशन या पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। सोच के समझ के सभी तथ्यों को विचार विमर्श करके परिवार के सदस्यों के साथ आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिरता को भी आज के दिन से बना सकता है या और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ भी आज के दिन कम होती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है। खास तौर पे आपके परिवार के वृद्धतम सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है, तो वहां पर आपको बैलेंस बनाने की सख्त ज़रूरत है। संतुलित आहार, संतुलित व्यवहार, मानसिक शांति आज के दिन आपके लिए सर्वोच्च एक प्रायोरिटी या प्राथमिकता हो सकती है। अगर आप इस चीज़ को सोच के समझ के चलेंगे तो आपको सब तरफ से स्थिरता अपनी चीज़ों में देखने को मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ों में अगर तनाव या नकारात्मकता हो रही है तो उसको भी आप बैलेंस करने की कोशिश करिए। आज के दिन अध्यात्मीय पूजा से संबंधित कोई ना कोई ऐसी विचारधारा को अपनाइए या अपने विचारों में प्रबलतम कुछ चेंज लेकर आइए, कुछ विकासशील चेंज लेकर आइए जो आपकी परिस्थितियों को फॉर द बेटर चेंज करके जाए। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, सब तरफ से अनुकूलतम परिस्थिति आपके लिए आ चुकी है। कुछ खास उतार चढ़ाव आज के दिन आपको देखने को मिलेगा नहीं, विचारों में प्रबलता देखने को मिलेगी, मन आपका शांत रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, स्थिरता बनी रहेगी। पूर्ण स्थिरता लानी है तो आज के दिन आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्लान कर सकते हैं और उस पर आप अपनी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए एक अच्छी शुरुआत का सबब हो सकती है। जहाँ तक आपकी आर्थिक स्थिरता का सवाल है, वो ऑलरेडी आपने बना लिया, बस थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वो भी आपके लिए कुछ खास मुश्किल नहीं है। खास तौर पे वो लोग जो नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं या जिनका इंटरव्यू लेटर आने वाला है या कॉल लेटर आने वाला है या ऑफर लेटर आने वाला है, वो सारी परिस्थितियां उनके लिए काफ़ी ज़्यादा और ओवरऑल सिचुएशंस को इम्प्रूव करते हुए जाएंगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। आज का दिन कर्क राशि वालों, आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से निजात पाने का है। परिवार में स्थिरता बनी रहेगी, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकेंगे, परिवार के साथ बिताया हुआ टाइम आपकी परिस्थितियों को और ज़्यादा अच्छा करेगा, घर का वातावरण ठीक रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, सामाजिक साख, प्रतिष्ठा, पराक्रम में वृद्धि आज के दिन देखने को मिलेगी। कुल मिला के ये अच्छा संकेत है, अच्छी परिस्थिति है, अच्छा चेंज है, इसको एम्ब्रेस करिए, चलते चलिए, जिससे कि आप अपनी सिचुएशंस में और पॉजिटिविटी देख पाएं। लंबे समय से चल रहा कोई लीगल तनाव भी अब साझा होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको विजय मिल सकती है, खासतौर पे अगर वो डिस्प्यूट में चला गया है तो। साथ ही साथ अगर आप निवेश करने के इच्छुक हैं और अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी अगर आप सक्रिय हैं तो वो परिस्थितियां आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण डील भी मिल सकती है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभाव ला सकती है आपकी करंट सिचुएशन में फॉर द पॉजिटिव रीजन। साथ ही साथ आज के दिन परिवार में स्थिरता बनाए रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें, एंगर इशूज़ को काबू में पाने के लिए आप वॉक कर सकते हैं या अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आपके लिए शुभ संकेत ला सकती हैं। प्रॉपर्टी या फिनेंशियल मैटर्स में तो आपके लिए ऑलरेडी स्थिरता आ चुकी है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, जो परिस्थिति, विचारधारा पूरी अगर इन टोटैलिटी समस्त सिचुएशन में आपके लिए देखूं काफ़ी अच्छी बन गई है। ओवरऑल कंसिस्टेंसी के साथ आप चल रहे हैं, काफ़ी काबिले तारीफ है कि आपने परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में, वश में, काबू में करने की कोशिश करी है। इसी तरह से इसी पेस के साथ चलते चलिए, आपको अपनी चीज़ों में स्थिरता, पूर्ण स्थिरता या कंप्लीटनेस देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन निवेश करने से अपने आप को बस थोड़ा सा बचाना है या विलंब करके चलना है। सभी तथ्यों को सोच लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ें। जब अनुकूलतम समय हो तो आपकी परिस्थितियां और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए पूर्ण स्थिरता लेकर आ सकता है। अगर आप सभी चीज़ों को प्राथमिकता वाइज लाइनअप करें, ऑर्गेनाइज रहें, पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करें, तब आप अपनी सिचुएशंस को और ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। मन को आपको सुचारू ढंग से प्रेरित करना चाहिए, आत्म प्रेरित करें, या आप किसी इष्ट की सेवा में लगे हुए हैं तो उनसे आप अर्जी लगाएं, अरदास करें, सेवा करें, कुछ भी पुण्य काम करें जिससे कि परिस्थितियां आपके लिए और अनुकूल हो सकें। मन को शांत करिए, आगे बढ़ते चलिए, आपके लिए विजय निश्चित है, लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताओं को आज के दिन लाइनअप करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आज के दिन अगर आप कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है।
बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सामान्यता रहेगा, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, मन आपका शांत रहेगा। साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ मिलकर उन सभी मैटर्स को, तथ्यों को रिव्यू कर पाएंगे जो काफ़ी समय से चल रहे थे। जब आप उस चीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं तो बीच बीच में जो विराम आते हैं अब वो भी कम हो जाएंगे या नेगेटिव हो जाएंगे। कुल मिलाकर परिस्थितियाँ आपके लिए आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से सब तरफ से प्रभावशाली होने वाली है। संतान पक्ष को लेकर जो आपकी चिंताएं चल रही थी वो अब आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं से शुभता या शुभ संकेत पारिवारिक स्थिति में भी आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। काफ़ी लंबे समय के बाद धनु राशि वालों, आपका थोड़ा सा रिलैक्स्ड जोन में अब आप आए हैं। आपने जो इतने समय से, इतने सालों से आप काम या मेहनत कर रहे थे, अब थोड़ा सा आप रिलैक्स रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करने की सोच रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो परिस्थितियाँ भी अब आपके लिए अनुकूलतम सिचुएशन लेकर आ रही हैं। मन शांत है, विचारधाराएँ प्रबल हैं, लोग आपके काम की तारीफ भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये अनुभव भी आपका अच्छा है जो परिवार के साथ आप समय बिता रहे हैं। कोई लॉन्ग टर्म आपकी ट्रैवल भी हो सकती है जो आपके लिए लंबे समय में आर्थिक स्थिरता ला सकती है। निवेश कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी मैटर्स में भी आपको लाभ आज के दिन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। पारिवारिक स्थिरता ऑलरेडी आ चुकी है मकर राशि वालों, हाउएवर थोड़ा सा आपके लिए आज का दिन टायरिंग, टैक्सिंग और हेक्टिक हो सकता है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश में आप काफ़ी ज़्यादा, आपको लग सकता है कि आप बिखर रहे हैं, आपकी परिस्थितियां बिखर रही हैं, तो उसको पहले कंट्रोल करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ उन सभी तथ्यों को अपने फेवर में लेकर जाइए जहां पर आपको लगता है कि आप कोशिश तो बहुत करते हैं चीज़ों को एक साथ एकत्रित करने की, संगठित करने की, और बीच बीच में कहीं से कोई नेगेटिविटी आती है जो आपको बैक टू स्क्वायर वन ले जाती है, तो वो आपको मनोबल या विचारधारा जो भी आपके जीवन में असंतुलित हो उसको आपको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आपके लिए भी आज का दिन शुभदायक हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आप अपने और अपने पार्टनर के लिए कुछ महत्वपूर्ण निवेश या डिसीजन ले पाएंगे जो लंबे समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक परिस्थिति लेकर आ सकता है। विचारधाराओं को और स्ट्रांग करिए, परिस्थितियों को प्रबलतम शिखर पर लेकर जाइए, कुछ नया करने की सोचिए। मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज पे भी आज के दिन आप सोच सकते हैं। विचारों को थोड़ा सा और प्रबलतम रखिए, कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, चाहे वो क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके निजी व्यवहारिक जीवन में क्यों ना हो। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सामान्यता जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव लेकर नहीं आएगा। मन को शांत रखिए, लॉन्ग टर्म ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो ट्रैवलिंग भी अब आपके लिए इंडिकेटेड है। साथ ही साथ आप सभी उन तथ्यों को रिव्यू कर पाएंगे जहां पर आपको लंबे समय से उसको एक साथ लाने में या बैलेंस बनाने में या सॉल्यूशन मोड पे आने पर कुछ ना कुछ अटकलें आ रही थी। कहने का मतलब, अगर आपके परिवार में कोई तनाव चल रहा है, अगर आपके परिवार में कोई अस्थिरता चल रही है, तो अब वो कहीं ना कहीं बैलेंस होती हुई नजर आएगी। परिवार के लोग एक मत के साथ एक डिसीजन लेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि दृष्टिकोण को बदलें, विचारधाराओं को प्रबल करें, जिससे कि पॉजिटिविटी आपको अपनी चीजों में देखने को मिले। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।